हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग और एसक्यूएल का कॉम्बिनेशन है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एसक्यूएल के डेटाबेस को, यानी एसक्यूएल में जो डेटाबेस के अंदर टेबल बनाया है, उस टेबल के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं और उन फील्ड्स के अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्टेड हैं, उन रिकॉर्ड्स के अंदर तब्दीली करनी है, चेंजेस करने हैं पाइथन में जा करके, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले तो हम माई एसक्यूएल को ओपन करेंगे और ये हमारा MySQL वर्कबेंच है, इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा काम करना ज़्यादा इजी रहता है और फिर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जो है अपडेट कर सकते हैं MySQL के डेटाबेस को। एक पूरा ही डेटाबेस जो आप अपडेट करना चाहते हैं उसे बड़े आसानी के साथ अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए, ये सेलेक्ट कमांड पहले से चलाया है मैंने, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा डेटाबेस है, यूज माई इंस्टीट्यूट नाम से जो डेटाबेस है, पहले बनाया था तो अब इसे यूज कर लिया हमने। और अब जो है इसमें स्टूडेंट का जो टेबल है इसे सेलेक्ट करना है। तो अब सेलेक्ट किया तो देख सकते हैं यहाँ पे एडमिशन नंबर, रोल नंबर और नेम, इसके अलावा मार्क्स और क्लास भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कोई एक चीज हमें चेंज करनी है, सपोज कीजिए क्लास ही चेंज करना है या एडमिशन नंबर ही चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने का तरीका यह है कि आप इसे अपडेट कर दीजिए, ठीक है, इसके जगह कुछ और आ जाएगा। तो यही वो तरीका है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो अभी आइए इसको देख लेते हैं कि पाइथन के थ्रू ये कैसे होगा। तो सबसे पहले तो पाइथन को ओपन कर लेते हैं। तो ये पाइथन की ट्रेडिशनल आईडी है हमारे पास, इसे मैं ओपन कर लेता हूं और ओपन करने के बाद आपको बताता हूं कि ये काम कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट पे जाके, फाइल पे जाके क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये इंटरफेस आता है, ठीक है। और ये इंटरफेस जैसे ही आएगा तो अब यहां पर कोडिंग करनी है। तो चूंकि हमें कनेक्ट करवाना है MySQL को और पाइथन को, तो इसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करवाएंगे। तो यहां लिखेंगे इंपोर्ट MySQL, MySQL डॉट कनेक्टर, क्या लिखेंगे डॉट कनेक्टर। तो ये हो गया डॉट कनेक्टर, अब ये इंपोर्ट करवा दिया हमने। अब क्या करेंगे, एंटर करके नीचे आएंगे, जैसे ही नीचे आते हैं तो और यूजर हमारा जो है देख सकते हैं ये रूट है, ठीक है, आपके में भी रूट ही होगा। पासवर्ड आपके में डिफरेंट होगा, जो आपने पासवर्ड डाला होगा वही पासवर्ड है, बाकी यहाँ पे डेटाबेस आप देख ही सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं, देख लीजिए, जब तक आसान हो गया है। अब आपको एंटर करके नीचे आना और इसे बंद कर देना है। बंद कर दिया, बंद करके क्या करना है, यहाँ पर एक बनाएंगे माई कर्सर नाम से, माई कर्सर इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें माई डीबी जो बनाया है डॉट कर्सर, इसको स्टोर करवा देंगे। और ये कर्सर एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया माई डीबी डॉट कर्सर। अब ये करने के बाद एंटर करके नीचे आइए, अब हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक और बना लेता हूँ SQL नाम से, SQL इक्वल टू SQL को ही अपडेट करना है। और कमांड क्या लिखना है, अपडेट, ठीक है, अपडेट कमांड ही तो चलाते हैं हम। और किसको अपडेट करना है, तो उस टेबल का नाम हमें देना होगा। तो टेबल का नाम हमारे क्या है, तो टेबल का नाम है हमारे, यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार आता हूँ वापिस से। तो ये हमारा जो है डेटाबेस था और टेबल हमारा है स्टूडेंट के नाम से, तो स्टूडेंट में ही जाके अपडेट करना है। तो वापिस आता हूं यहां पर और यहां पे स्टूडेंट दे देता हूं, STUDENT, ये दे दिया स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट देने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही स्टूडेंट देते हैं तो यहां पे अब सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे, तो अब एक बार फिर से देखना होगा हमें डेटाबेस को। तो यहां पे आके डेटाबेस देख लेते हैं, तो हम सेट करने वाले हैं नेम, तो अजय के जगह विजय करने वाले हैं, ठीक है। तो नेम कर देता हूं यहां पर, यहां पर आकर के क्या करूंगा, नेम, तो NAME कर दिया। और नेम यहां पर क्या देना है हमें, तो नेम यहां पर हमें देना है विजय, ठीक है, क्या देना है, विजय, ठीक है ना। तो यहां पे VIJAY ये कर दिया, इसको सिंगल एटेड कॉमा के अंदर रख सकते हैं चाहे तो नेम इज इक्वल टू विजय कर देते हैं, VIJAY कर देते हैं, डबल एटेड कॉमा भी लगा सकते हैं, ये तो पाइथन है तो यहां पर तो ये एक्सेप्ट कर ही जाना चाहिए। तो ये कर दिया हमने, अब यहां पे कंडीशन दे देंगे वेयर, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं, इसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन किसके थ्रू हो रहा है, एडमिशन नंबर के थ्रू, तो एडीएम नंबर करेंगे यहां पर, एडीएम एनओ जो दिया गया है उसी को हम यहां पे लिखेंगे, वेयर ADM_NO, तो एडीएम नंबर हो गया। एडीएम नंबर इज इक्वल टू क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिखा हमने, एडीएम नंबर इज इक्वल टू, इनका एडीएम नंबर हम चेक कर लेते हैं, तो यहां पर अजय का जो एडीएम नंबर है 2404 है, तो हम भी यहीं पे यहां पर वही चीज दे देते हैं, तो यहां पे कर देते हैं 2404। तो बस इतना ही करना है आपको, ठीक है।
अब ये काम हो जाना चाहिए। और अब डॉटेड कॉमा को क्लोज कर दीजिए और क्लोज करके एंटर करके नीचे आइए। जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे अब इसको एक्सिक्यूट कराने की बारी है, तो माई कर्सर डॉट एक्सिक्यूट करेंगे इसको, एक्सिक्यूट, ठीक है। और एक्सिक्यूट करने के बाद अब चूंकि एसक्यूएल में जाके सेव कराया है तो ये एसक्यूएल ही दे देता हूं मैं, और एंटर करके नीचे आएंगे। फिर यहां देते हैं माई कर्सर CURSOR कर्सर, यहां पे देते हैं माई डीबी और डॉट कमिट। अब कमिट एक और कमांड है जिसको हम यहां पे यूज कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसके पहले मैंने बताया रोल बैक क्या होता है, रोल बैक को किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं ना, प्रिंट करवा लेता हूं। प्रिंट फंक्शन क्यों लिखते हैं, प्रिंट करवाने के लिए लिखते हैं, जाहिर सी बात है, सिंपल है बहुत। तो यहां पे रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, अपडेटेड यानी कि अगर अपडेट हो जाए तो ये प्रिंट होता हुआ हमें नजर आना चाहिए। तो ये हमने दे दिया, अब इसको चलाना है तो F5 प्रेस करने से ये रन हो जाता है, ठीक है। और यहां पर मैं इसे किसी भी नाम से यहां पे सेव कर सकता हूं, तो यहां पे अपडेट के ही नाम से सेव कर देते हैं और एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, इसे एक्सेप्ट कराते हैं। तो यहां पर देखिए ये जो है, एंटर करके नीचे आएंगे, ये नेम जो है विजय और एडमिशन नंबर ये आ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, यहां पर हम सिंगल ट्रेड कॉमा रख लेते हैं, तो ये रखा सिंगल ट्रेड कॉमा। और तो जैसे ही सेव करके इसे चलाया तो यहां पर लिखा हुआ आ चुका है रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट, देख सकते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट, यानी हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। बट क्या प्रूफ है कि हमारा रिकॉर्ड अपडेट ही हुआ है, क्या पता ना हुआ हो, तो हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे MySQL तो ऑलरेडी ओपन है, यही हमारा रिकॉर्ड था ना, अब यहाँ पर तो आज ही दिखाई पड़ रहा है, तो ये कहाँ प्रूफ हुआ कि ये चेंज हुआ है। लेकिन अब वापिस से हम इसको सेलेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का यूज करके इसे सेलेक्ट करेंगे और इसको चलाएंगे। तो जैसे ही चलाएंगे तो ये अजय कन्वर्ट हो गया विजय में, देखिए यहाँ पर 2404 ही एडमिशन नंबर था और यही कन्वर्ट हुआ है विजय में, जो कि अजय था वो विजय बन गया, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी आपको चेंज करना हो, जैसे मान लीजिए इसी को 2715 को चेंज करना है जिनका कि नाम राम है, तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहां पे चले जाइए, ठीक है, ये आ गए। और यहां पर 2715 कर दीजिए, ये आए और यहां पे कर देते हैं 2715, ठीक है, यही है ना। तो ये ध्यान रखना है कि एक यूनिक आईडी आपको लेनी है। और यहां पर देखिए ये विजय लिखा हुआ है, इनका नाम हम कुछ भी दे देते हैं, जैसे हम दे देते हैं मोलू, तो अब उसकी जगह यानी 2715 किसका रिकॉर्ड है ये हमें देखना होगा एक बार। तो यहां पर देख सकते हैं 2715 जो रिकॉर्ड है वो किनका है, राम का है, तो राम की जगह लिखा हुआ आ जाएगा मोलू। तो इसको चलाना होगा, तो पहले पाइथन पे चल के एक बार इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां से जब इसे रन कराएंगे तो ये रन हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इसे सेव जरूर कर लीजिएगा, सेव अगर नहीं करते हैं तो दिक्कत होगी, तो पहले तो यहां से जाके सेव कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पे सेव पे जाते हैं हम, ये सेव पे गए और यहां से सेव कर लिया। अब यहां से रन पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो देखिए ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया। और जैसे ही अपडेट हुआ तो अब आपको चेक करना है कि ये अपडेट हुआ तो ये मोनू बना कि नहीं बना, ठीक है, जो राम था वो मोनू बन गया है कि नहीं। तो अभी तो यहां पे तो दिखाई देगा नहीं, आपको तो सीधा यहां से सेलेक्ट कमांड चला करके तब चलाना होगा ना, तब तो ये दिखाई देगा। तो देखिए जो राम था वो मोनू में कन्वर्ट हो गया। तो ये कमांड आपको कॉपी पे लिखना रहता है, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बताया कि ये कैसे करना है, ठीक है। शायद आपके स्कूल में कॉलेज में ये ना बताया जाए कि प्रैक्टिकली कैसे करना है, तो आप यहां पे देख करके समझ सकते हैं, आपके पास सिस्टम होगा ही होगा, आप नहीं होगा तो कम से कम स्कूल में तो होगा ही, तो वहां पे ये करके आप देख सकते हैं। ये बहुत आसान है और ये काफी हेल्पफुल होगा, न सिर्फ आपके प्रैक्टिकल में बल्कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, 2 अप्रैल को एग्जाम है तो उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।